हेलो, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 3 इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, आपका चैप्टर 3 जो बाकी है वो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो ओपन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक। ओके, चैप्टर 3, योर चैप्टर 3 इज नाउन्स। ओके, सन्स यहाँ तक कंप्लीट, पेज नंबर 21 तक कंप्लीट। ओके, 21 तक कंप्लीट हो चुका था। ओके, नाउ पेज 22, पेज नंबर 22। स्टूडेंट्स, नाउ नाउन्स पजेसिव फॉर्म्स। पजेसिव मतलब फॉर्म्स, पजेसिव मीन्स कैसा होता है पता है, जिसमें हक हक जैसा होता है, मालिकी जिसको बोलते, ऑनरशिप जिसको बोलते, वो फॉर्म में होता है ना, उसको पजेसिव फॉर्म बोलते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है ना, नाउन्स पजेसिव फॉर्म्स, यानी ऐसा नाउन्स कि पजेसिव फॉर्म में आता है, यानी जिसकी ऑनर ऑनरनेस होती है, ऑनरशिप होती है। जैसे घर है लेकिन किसका है, तो उसका घर। और हाँ, ये पजेसिव फॉर्म जब भी हम लिखेंगे सेंटेंस में, तो एपोस्ट्रोफिस एस जिसको बोलते हैं, एपोस्ट्रोफिस जो एस होता है वो लगाना पड़ता है, यानी ऐसे करके एस ऐड करना होता है। देखो, वी ऐड एन एपोस्ट्रोफी एस, एन एपोस्ट्रोफिस ऐसे करने और एन एस टू अ नाउन टू शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप। ओके, तो हमें मैंने अभी ऑनरशिप बोला था ना, ये रहा देखो, ये वाला वर्ड यहाँ पर है। ओके, जो ये ऑनरशिप मीन्स जैसे तुम्हारे आपके घर में कुछ चीज़ होगी वो आपकी होगी, बाहर के किसी भी पर्सन की वो चीज़ नहीं होगी। ओके, या कोई उसको ज़बरदस्ती से आपसे छीन के ले भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप वो चीज़ आपकी है, तो उसको पजेसिव बोलते हैं। ओके बच्चों, मम्मा और पापा कौन किसके हैं, आपके हैं। जैसे घर में कोई खिलौने होते हैं, कोई आप लोगों के लिए खेलने के लिए पापा या मम्मी लेकर, तो वो खिलौना आपका ही है, दूसरों का नहीं है, तो उसको पजेसिव आप बोलते हो ना, ये तो मेरा है। फिर कोई सब लोग बोलते ना, जैसे ध्रुव है तो बोले तो ये ध्रुव का है, पार्थ है तो ये पार्थ की चीज है, तो उसको पजेसिव फॉर्म बोलते हैं। ओके बच्चों, अगेन आई रिपीट, वी ऐड एन एपोस्ट्रोफिस, ये रहा, एन एस टू अ नाउन टू शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप, वी यूज एस, इस तरीके से हम यूज करेंगे कोई चीज़ की ऑनरशिप दिखानी, तो इस तरीके से यूज़ करके एपोस्ट्रोफिस, जो आप पढ़ते आए हो। ओके, पर हम अभी अच्छी तरह से सीखें। आफ्टर सिंगुलर नाउन्स और नेम्स, आफ्टर सिंगुलर नाउन्स और नेम्स, सिंगुलर नाउन्स और नेम्स के बाद ये वाला यूज होता है। ओके, एपोस्ट्रोफिस फॉर प्लूरल नाउन्स, फॉर प्लूरल नाउन्स दैट एंड विद एस, वी जस्ट एड एन एपोस्ट्रोफिस आफ्टर एस। ओके, फॉर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स में कैसा होता है, सिंगुलर और नेम्स होते हैं ना, उसके पीछे ही एपोस्ट्रोफिस एस होता है, बाकी प्लूरल नाउन्स होता है तो वहाँ कैसे होता है, दैट एंड विद एस, एपोस्ट्रोफिस क्या है, एस के बाद आता है, और उसमें यहाँ एपोस्ट ये ऊपर आता है। ओके, वी जस्ट एड एन एपोस्ट आफ्टर द एस, हम एपोस्ट क्या एपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज करेंगे, एस के बाद। ओके, चलो क्यू, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स टू द पजेसिव फॉर्म्स विद एन एपोस्ट्रॉफ, राइट योर आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, हमें यहाँ स्पेस दिया है वहाँ हमें लिखना है। ओके, देखो, फर्स्ट इज डन फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, द हाउस ऑफ माई सिस्टर, द हाउस ऑफ माई सिस्टर,
मेरी सिस्टर का घर, और यहाँ मेरी सिस्टर का घर ही आता। इसमें कैसे होता, माई सिस्टर आगे आ गया, फिर एपोस्ट ऑफ की जगह क्या आ गया, एपोस्ट ऑफिस एस, और फिर हाउस द चला गया, क्योंकि द एपोस्ट ऑफिस के बाद हम लिखते तो द चला जाता है कोई चीज़ के, थिंग्स के नाम। ओके, माई सिस्टर्स हाउस, माई सिस्टर्स हाउस। ओके, माई फादर, देखो द कार ऑफ माई फादर, द कार ऑफ सेकंड, लिसन, द कार ऑफ माई फादर, माई फादर्स कार, माई फादर्स कार, एपोस्ट्रोफी एस देखा, कार द निकल गया। थर्ड वन, द अम्ब्रेला ऑफ माई मदर, द अम्ब्रेला ऑफ माई मदर, सो क्या आएगा, माई मदर्स अम्ब्रेला, माई मदर्स अम्ब्रेला, राइट, माई मदर्स अम्ब्रेला। फोर, द वाइफ ऑफ रवि, द वाइफ ऑफ रवि, रवीज वाइफ, रवीज वाइफ, ओके, रवि की पत्नी। ओके, रवीज वाइफ। फाइव नंबर का, द चिल्ड्रन ऑफ प्रेमा, द चिल्ड्रन ऑफ प्रेमा, तो प्रेम, सो क्या क्या आएगा, प्रेमास चिल्ड्रन, प्रेमास चिल्ड्रन। ओके, एपोस्ट ऑफिस ही लगाना है, देखो फिर सीख लो, द नेस्ट ऑफ द स्पैरो, द स्पैरोस नेस्ट, द पैरोस नेस्ट। ओके बच्चों, ये पॉजिटिव फोना फॉर्म में नाउन से ना, वो बहुत इजी है, एकदम इजी है। सेवन नंबर, नोट्स ऑफ द टीचर, नोट्स, नोट्स ऑफ द टीचर, द टीचर्स नोट, द टीचर्स नोट्स। ओके, अगेन एट नंबर, द टेल ऑफ द डॉग, द टेल ऑफ द डॉग, द डॉग्स टेल, द डॉग्स टेल, द देखो सब निकल जाता है। ओके, द डॉग्स टेल। नाइन नंबर, द बुक ऑफ माई ब्रदर, द बुक ऑफ माई ब्रदर, माई ब्रदर्स बुक, माई ब्रदर्स बुक, माई ब्रदर्स बुक। टेन नंबर का, द फोन नंबर ऑफ राजू, द फोन नंबर ऑफ राजू, राजूस फोन नंबर, राजूस फोन नंबर। हो गया, एकदम इजी बच्चों, पजेसिव फॉर्म तो एकदम इजी है। अब यहाँ रिमेम्बरिंग पॉइंट है, आपको याद रखना है, वी यूजुअली यूज ऑफ टू शो रिलेशन विथ प्लांट्स प्लेसेस एंड थिंग्स, वी डोंट ऐड एपोस्ट्रोफी एस विथ प्लांट्स प्लेसेस एंड थिंग्स। अब ये ऑफ कब यूज करेंगे हम लोग, ऑफ, यहाँ ऑफ है ना, जब कब यूज करेंगे ऑफ, तो शो रिलेशन विथ प्लांट्स प्लेसेस ऑफ एंड थिंग्स, यानी प्लांट्स के साथ रिलेशन, प्लेसेस के साथ रिलेशन, और कोई चीज़ के साथ रिलेशन होता है तब ऑफ शो करता है। पर हाँ, हम एपोस्ट्रोफी एस है ना, प्लांट्स प्लेस प्लेसेस एंड थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते। ओके, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे वहाँ पर। ओके, नाउ आर, विच इज करेक्ट, पुट राइट रॉन्ग। ओके, अब यहाँ दिया गया है फाइव, हमें इसमें से जो सही है उस पर सही करना है, और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग करना है। ओके, वॉट इज द नेम ऑफ दिस विलेज, वॉट, फर्स्ट वन, वॉट इज द नेम ऑफ दिस विलेज, ऑफ एक्टिव विलेज एक प्लेस है। ओके, ऑन द नेम ऑफ दिस विलेज, राइट, अगेन आई रिपीट, वॉट इज द नेम ऑफ दिस विलेज, यानी ये विलेज का नाम क्या है, तो प्लेस की बात करिए, और यहाँ ऊपर था ना कि वी डोंट यूज एट एपोस्ट्रोफी एस विथ प्लांट्स प्लेसेस एंड थिंग्स, तो प्लेसेस वन विलेज, तो राइट। टू नंबर, आई स्टेड एट माय सिस्टर्स हाउस, आई स्टेड एट माय सिस्टर्स हाउस, मैं मेरी दीदी के घर रुक गया था, तो राइट। थ्री नंबर का,
लुक एट द ब्रांचिस ऑफ द ट्री, ट्री के प्लांट्स के बारे में बात की है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफिस एस यूज नहीं करेंगे। सो क्या आएगा, सही आएगा, क्योंकि ब्रांचिस ऑफ द ट्री यानी प्लांट की बात कर रहे हैं। ओके, लुक एट द ब्रांचिस ऑफ द ट्री, ओके राइट। फोर नंबर का, ओपन द कार स्टोर, ओपन द कार स्टोर, रॉन्ग, ऐसे कार ऐसे थोड़ी बोलते, रॉन्ग है। फाइनल, द हाउस रूप इज लीकिंग, ऐसे द रूप ऑफ हाउस इज लीकिंग, ऐसा आता है। ओके, क्योंकि प्लेस की बात करें, द हाउसेस हाउसेस रूफ इज लीकिंग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ओके, नाउ पेज नंबर 23, एस, रीड द फॉलोइंग, ये कुछ गांधी बापू के बारे में दिया गया है, तो हमें उसके बारे में क्या क्या है, बायोग्राफ बायोडेटा है पूरा गांधी बापू का। ओके, नेम मोहनदास करमचंद गांधी, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पोरबंदर गुजरात। फादर्स नेम, फादर्स का नाम क्या, करमचंद गांधी। मदर्स नेम पुतलीबाई। क्वालिफिकेशंस क्या थे, तो डिग्री इन लॉ, वकीलात। गोल इन लाइफ, उनका लाइफ में गोल क्या था, टू गेन बैक इंडियाज फ्रीडम, टू गेन बैक इंडियाज फ्रीडम, इंडिया की आज़ादी है वो वापिस पाना। उनकी क्वालिटीज क्या थी, क्वालिटीज तो फॉलोड द पथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो सत्य की राह पे चलने वाले और अहिंसा की राह पे चलने वाले थे। नोन एज, अब वो क्या नाम से जाने थे, तो फादर ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो द महात्मा, द फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता, और क्या दूसरे नाम, महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, वी यूज द, सॉरी यूज द अबो पॉइंट्स, ये वाले सारे ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उसको यूज करना है, टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में पैराग्राफ लिखने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं उसको यूज करना है। ओके, एकदम ईजी है। टी, लेट्स टॉक मेकिंग रिक्वेस्ट, ए बी, ओके इस तरीके से नाम की जगह ए बी यूज किया है। ओके, ए, एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है, ए बोल, एक्सक्यूज मी कुड यू गिव मी योर पेन फॉर अ मोमेंट प्लीज, कुड यू गिव मी योर पेन फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट प्लीज, एक एक्सक्यूज मी माफ़ करना, क्या आप मुझे आपकी पेन है थोड़ी देर के लिए दे सकते हो प्लीज़, बी क्या पर श्योर, हियर इट इज़, ये रही, श्योर ये रही, ए क्या बोला, थैंक यू। अब ये क्या बोला, कुड यू प्लीज शो मी द वे टू द बस स्टॉप, कुड यू प्लीज शो मी द वे टू द बस स्टॉप, क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता दिखा सकती हो, तो बी ने बताया, देखो गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाओ, एंड टर्न टू द लेफ्ट यानी स्ट्रेट जाओ और फिर लेफ्ट में टर्न कर देना, यू विल सी द बस स्टॉप, तुम्हें बस स्टॉप दिखाई देगा। ए ने क्या बोला, थैंक यू सो मच, बी ने क्या बोला, यू आर वेलकम। ओके, अब ए ने क्या बोला, देखो ये तीन पैराग्राफ अलग अलग है। ओके बच्चों, तीन उसमें ए भी बातें कर रहा है, देखो ए, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम
फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है. वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? क्या तुम, अगर तुम बुरा ना लगे तो तुम क्या विंडो है वो बंद कर सकती हो ऐसे? तो बी ने क्या बोला? श्योर. ने क्या बोला? थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, आपका आज का इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है चैप्टर 3 तक. ओके नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम कंटिन्यू चैप्टर 4 स्टार्ट करूँगी मैं नया वाला चैप्टर. ओके कंटिन्यू तो 3 तक हो गया. ओके 3 चैप्टर कंप्लीटेड योर. ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर 4. ओके बाय. हाँ स्टूडेंट्स, आप सबको ये सब कुछ लिखना है. हाँ बच्चों, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों, सब कुछ लिखना है कंपलसरी. ओके सारी एक्सरसाइज. बाय.